और गोस्वामी जी कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। रूप बहुत अद्भुत है, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। यहां भुजचारी में चार भुजा नहीं समझनी चाहिए, भुजाएं तो दो ही हैं, पर दोनों भुजाओं पर भगवान के उनके निज आयुध चक्र विष्णु का निज आयुध नहीं है, उसे शंकर जी ने दिया है, पर महाविष्णु भगवान राम का धनुष बाण निजी आयुध है, किसी ने दिया नहीं है, उनका शाश्वत है। तो भगवान राम की भुजाओं पर धनुष बाण फरक रहे हैं, थिरक रहे हैं, क्यों? एक आज्ञा मांग रहे हैं अपनी मां से। आप नहीं जानते होंगे, आपके मन में होगा कि रामचंद्र जी ने जो रावण का वध किया उस सीता हरण के कारण किया। मैं थोड़ा सा इसके विपरीत कहूंगा, सीता हरण तो बहाना बन गया, वही माया की सीता का हरण किया था रावण ने। सत्य ये था कि रामचंद्र जी भगवान ने अपनी मां की मां के अपमान का बदला लिया। इसका अर्थ ईटा वालों आपने क्या समझा? इसका अर्थ ये है कि भगवान राम की माता कौशल्या जी जो छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हुई, दक्षिण कौशल में छोटी सी थी, 6-7 वर्ष की थी, राजमहल से शंकर जी की पूजा करने जा रही थी, उसी समय रावण ने उनका हरण कर लिया था। किसका? कौशल्या जी का। और हरण करके मंजूषा में बंद कर दिया उनको, पेटिका में, और ले आकर के सागर में फेंक दिया। वो तो राम जी की मां थी, इसे नहीं मरी। ब्रह्मा जी मंजूषा सागर से ले आए और सरयू जी में फेंका। दशरथ जी आए थे सरयू जी में शिकार खेलने, नहाने आए थे, मंजूषा देखी तो सुमंत्र से मंगवाया और मंजूषा खोली तो एक राजकन्या रो रही थी। उनको निकाला, उनसे परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं दक्षिण कौशल के महाराजा की बेटी हूं, मेरे पिता का नाम है भानुमान, मेरा नाम है कौशल्या भानुमती, तब दशरथ जी ने सम्मान के सहित उनको दक्षिण कौशल भिजवाया। और
दक्षिण कौशल के महाराज ने कहा इतना चरित्रवान राजा मुझे कहाँ मिलेगा। तब उन्होंने कौशल्या जी का दशरथ जी के साथ विवाह कर दिया। तो जो मां का जो रावण ने अपमान किया था, उस अपमान का बदला लेने के लिए राम जी जब प्रकट हुए तो उनके हाथ में धनुष बाण थिरकने लगे। कौशल्या जी से आज्ञा मांगी कि अभी मैं आपके अपमान का बदला लेकर इसी समय रावण का सिर काट देता हूं, इसलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार अरस बहकारे मुनि मनहार अद्भुत रूप निहार लोचन अभिरामा तन घन श्याम निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला सोहा सिंधु खरारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाल भगवान प्रकट हो गए। आप आज्ञा दीजिए। अरे आप रावण को भी मारेंगे? पूर्व कल्प का दृश्य दिखा दिया। देखिए खरारी मुरारी नहीं कहा, मैं जब अकेले खरदूषण को मार सकता हूं तो रावण को मारने में क्या विलंब लगेगा मुझको, क्योंकि करतल बाण धनुष अति करतल बाण धनुष अति यही तो आनंद है। कौशल्या जी को आओ, अब विश्वास हो गया। कह दुई कर जोरी अस्त तोरी कहीं विध करो अनंता। अब मैं जान गई कि रावण आपका अंत नहीं कर सकता। रावण आपका अंत नहीं कर सकता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भ्रंता वेद पुराण कहते हैं आप माया गुण ज्ञान से अतीत हैं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहीं गावे सुख संता। आप करुणा सुख के सागर हैं, सभी गुणों के आगार हैं। वेद संताप को गाते सो मम हित लागी जनन रागी भय प्रगट श्रीकंता।